बीच बड़ी खबर उज्जैन से। महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान बस सलूकी का मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंची है। ढोल और डीजे के साथ टीम पहुंची, मकान तोड़ने की कार्रवाई करने पहुंची है टीम। पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार भी किया था। महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान बदसलूकी का ये पूरा मामला है। बता दें आपको, पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंची है। ढोल और डीजे के साथ टीम पहुंची है। बड़ी खबर उज्जैन से आपको इस वक्त बता रहे हैं। मकान तोड़ने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची है। बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान बदसलूकी का मामला सामने आया था। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम अब पहुंची है और ढोल और डीजे के साथ ये टीम पहुंची है। अब कार्रवाई जो है होने जा रही है। बता दें आपको, मकान तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको उज्जैन से बता रहे हैं, जहां पर मकान तोड़ने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची है। प्रशासन की टीम पहुंची है, ढोल नगाड़ों के साथ ये टीम पहुंची है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, मकान तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची है। उज्जैन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान बदसलूकी का मामला सामने आया था। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम अब पहुंची है कार्रवाई करने के लिए। ढोल नगाड़ों के साथ, ढोल और डीजे के साथ टीम पहुंची है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है, मकान तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची है। ज्यादा जानकारी के लिए अजय भटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, मकान तोड़ने की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची, आखिर पूरा मामला क्या था, विस्तार से बताइए। जी, देखिए जिस तरीके से महाकालेश्वर भगवान की जो सवारी निकलती है, जब भगवान महाकाल की सवारी माँ चिपरा के तट से जब रवाना हुई थी तो गोपाल मंदिर क्षेत्र के लिए आ रही थी। वहीं पास ही में जो है टंकी चौक है, यहाँ पर ये जो है सवारी गोपाल मंदिर के लिए मुड़ना थी। उसी दौरान यहाँ पर कोने पे एक मकान है जो विशेष समुदाय के कुछ लोगों का है, जिसपे से जो है कुछ युवकों द्वारा जो है सवारी के ऊपर थूकने का मामला आया था। एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद वीडियो वायरल होने के बाद जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था और इन ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की बात की गई थी। इसके आधार पर जो है पुलिस ने जो है सांप्रदायिक सौहार्द और दंगे फैलाने ऐसी धाराओं में मामला दर्ज कर तीन लोगों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी की थी। वहीं जो है आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम जो है डीजे और ढोल धमाकों के साथ यहाँ पर पहुंची है और मकान तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। वही प्रशासन का सख्त कहना है कि यदि इस तरीके से कोई भी शहर का फिजा बिगाड़ेगा या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कर रखे हैं ताकि कोई भी माहौल की स्थिति खराब ना हो, उसको भी लाइन ऑर्डर बना रहे, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल जो है मकान तोड़ने की कार्रवाई अभी जारी है और पुलिस प्रशासन एक अनोखे तरीके में कार्रवाई करने पहुंचा है। डीजे लेके पहुंचा है जिसमें जो है गाने बजाए जा रहे हैं, साथ ही ढोल बजाए जा रहे हैं ताकि जो आपराधिक पद्धति के जो लोग हैं जो वीजा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक मुहिम चलाई गई है। जी अजय, जो ये आरोपी हैं इनसे पूछताछ में आखिर क्या क्या सामने पाया था, क्या इनकी आखिर मंशा थी और इसमें कितने लोग शामिल थे, क्या कहना था, पूछताछ में कुछ चीजें सामने आई होंगी? देखिए जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से युवक द्वारा जो है नीचे थूका जा रहा है, तो उस वीडियो के आधार पर ही जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस का ये कहना है कि इस वीडियो की जांच की जा रही है और जो युवक है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इसमें अभी एक व्यक्ति फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी करना बाकी है। इसमें कुछ नाबालिग हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल जो है पुलिस का यही कहना है कि जिस तरीके से जो सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ ऐसे ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय।
दूसरे सोमवार पर भगवान महाकाल की सवारी नगर भ्रमण पे निकली थी अपनी प्रजा का हाल जानने। वहीं सवारी के लौटते वक्त ये वही मार्ग है जहाँ से बाबा महाकाल की सवारी जब लौटती हुई बाबा महाकाल के दरबार के लिए आ रही थी, इसी दौरान ये वही जगह है जहाँ से महाकाल की सवारी को गुजरना था। लेकिन इस मकान के ऊपर से कुछ विशेष समुदाय के युवकों द्वारा जो है सवारी पे थूकने का मामला आया था। इसके बाद कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर उन आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं वीडियो के आधार पर खाराकुआ थाना पुलिस ने विशेष समुदाय के 3 युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में FIR दर्ज की थी। वहीं आज उन युवकों के मकान पर जो है आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम का बिल्डोजर चल रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं यह कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पुलिस फोर्स लगाया गया है और साथ ही जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि माहौल खराब ना हो, जिसको लेकर जो है यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी है। साथ ही जो है पुलिस जो है अनोखे तरीके से यहाँ पर जो है कार्रवाई करने पहुँची है। ढोल के साथ साथ जो है DJ भी लेके आई है और लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि यदि शहर में कोई भी फिजा बिगाड़ेगा या सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। जय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर की बात करेंगे। यहाँ 2 इनामी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन इस बीच एक आतंकी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दोनों गिरफ्तार आतंकियों के नाम इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी है। पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक NIA के राजस्थान के एक आतंकी केस में दोनों आरोपी वांटेड हैं। दोनों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम था। संदिग्ध मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले हैं और इस दौरान एक संदिग्ध आतंकी भागने में कामयाब भी रहा। दरअसल 18 जुलाई की मध्य रात्रि को 2:45 बजे पुणे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पेट्रोलिंग के दरमियान बाइक चोरी करते 3 लोगों को पकड़ा था और शुरुआती पूछताछ में शक होने पर आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके घर तलाशी के लिए गए थे तो एक लाइव राउंड पर 4 मोबाइल लैपटॉप बरामद किए गए थे। पुलिस ने इस मामले में ATS और NIA को भी सूचित किया था। फिलहाल कोथरूड पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश का यह पूरा मामला है। 2 साजिशकर्ता पुणे से गिरफ्तार हुए हैं। बता दें आपको, इमरान खान और यूनुस साकी को पुणे पुलिस ने पकड़ा है। रतलाम के रहने वाले हैं ये दोनों। बीते साल अप्रैल महीने से फरार थे। बाइक चुराने की कोशिश में ये आरोपी पकड़ाए थे, पेट्रोलिंग के दौरान पकड़ाए थे। NIA और ATS की रडार पर थे ये दो। अब तक कुल 8 गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मतलब आखिरी बार कब यहाँ घर पे थे यूनुस भाई? आखिरी बार कब थे घर पे? हमारे गए रमजान के 2 रोज के लिए, पिछले रमजान के 2 दिन पहले। अच्छा, ये बताएं आपकी मतलब कभी आपको बताया उन्होंने कि मतलब वो क्या कर रहे हैं? और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुधीर जैन रतलाम से जुड़ गए हैं, प्रशांत पांडे भी जुड़ गए हैं। सुधीर, आपका ही रुख करूंगी। 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, पेट्रोलिंग के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई है, 5-5 लाख के इनामी भी रह चुके हैं ये। आखिर क्या ज्यादा जानकारी है इस वक्त आपके पास इस मामले में? देखिए, थोड़ी देर पहले यूनुस साकी की मां सामने आई थी मीडिया के। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूनुस करीब 1 साल पहले से रतलाम के जो उनका घर है वहां से निकला था। उनकी पत्नी यहां पे है, उनकी मां है और उनके पिता सामने इस पूरे मामले में नहीं आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वे इस मामले में कुछ भी नहीं जानती है। हमने जब पूछा उनसे कि यूनुस क्या करता था तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि वो कोई काम नहीं करता था और वो क्या काम कर रहा है वहाँ जाके इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। ये पूरा मामला बीते साल मार्च 28 को सामने आया था, जब राजस्थान के निम्बाहेड़ा में जो IED बनाया जाता है उसका संदिग्ध पाउडर मिला था। इस पूरे मामले में जो है रतलाम के 3 आरोपियों को, 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदेही पे जो मास्टरमाइंड है इस पूरे गिरोह का, जो कि सूफा एक आतंकी संगठन बताया जाता है, उसका उससे जुड़ा हुआ था, इमरान उसका नाम है, और उसकी जब गिरफ्तारी हुई तो इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। कहीं ना कहीं
ठीक, प्रशांत अभी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, दो संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, आखिर क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह से पुणे पुलिस की कार्रवाई है। रात के 3 बजे पुणे पुलिस की तरफ से पेट्रोलिंग की जा रही थी, तो उस वक्त पाया गया है कि 3 लोग पुणे इलाके में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने उन्हें अपने हिरासत में लिया, पूछताछ की प्रक्रिया शुरू की, तो उस वक्त 3 में से 1 जो है मौके से भागने में कामयाब हो गया। दोनों लोगों को अपने हिरासत में पुलिस ने लिया और जब आगे की छानबीन की तब पता चला कि ये सस्पिशियस मूवमेंट वाले आरोपी हैं, इनकी और ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए। फिर उसके बाद पुलिस ने ATS को इस बात की जानकारी दी, फिर उसके बाद ATS आकर के टीम ने जाकर के इन दोनों आरोपियों के घर की झड़ती ली, तो वहाँ से उन्हें जिंदा कारतूस मिला, जिसके बाद इन दोनों की हिरासत के रूप में उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आगे की जानकारी के लिए पुलिस ने, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। पेट्रोल पंप में पेट्रोल की जगह निकल रहा है पानी, पंप से पेट्रोल लेने के बाद कई गाड़ियां खराब हुई हैं। वाहन मालिकों ने पेट्रोल पंप पर हंगामा करना शुरू कर दिया, पेट्रोल पंप से पानी निकलने का वीडियो अब सामने आया है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ओशो फ्यूल्स का ये मामला, और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना है।